तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामकृष्ण एंड इस वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल पर एड्स कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका अभी भी चैनल मोनेटाइज हुआ है एंड YouTube पर आप अभी नए हैं, तो दोस्तों ऐसे में पक्का आपसे YouTube वीडियोज़ पर एड लगाने नहीं आते होंगे, मैं जानता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब मैं भी YouTube पर नया था तो मुझे भी अपने YouTube वीडियोज़ पर एड लगाना नहीं आता था। यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कि YouTube वीडियोज़ पर एड हमें खुद लगाना पड़ता है। जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था दोस्तों, तो मुझे तो लग रहा था कि मोनेटाइज होने के बाद अपने वीडियोज़ पर एड्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके वीडियोस पर एड्स कैसे आते हैं ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन से पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मोनेटाइज होने के बाद एड्स जो सेटिंग होती है, एड सेटिंग होती है, यानी कि जो एड वाले ऑप्शन होता है, तो वो आपके पास खुद होता है। आपके YouTube वीडियोस पर YouTube एड्स नहीं लगाता। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिए, आपके YouTube वीडियोस पर YouTube एड्स नहीं लगाता है। वो आपका चैनल केवल वेरीफाई करता है, देखता है कि आपका कंटेंट कैसा है। यदि आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन लायक है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एंड फिर मोनेटाइज होने के बाद YouTube वीडियोस पर एड्स आपको खुद लगाने पड़ते हैं। ओके, तो ये जो है YouTube की तरफ से हमारे लिए ऑप्शन है या फिर फीचर है बहुत अच्छा, जो कि पब्लिक के लिए खुद है, वो खुद चूज कर सकती है कि उसे अपने YouTube वीडियोस पर एड्स लगाने हैं या फिर नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आप YouTube वीडियोस पर एड्स लगाना चाहते हैं, चलिए मैं आपको अब जल्दी से बता देता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल पर एड्स कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर, एंड मोबाइल स्क्रीन पर जाकर के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए, नहीं तो दोस्तों आप अपने YouTube वीडियोस पर एड्स नहीं लगा पाएंगे। एंड दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फिर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, एंड आपको सिंपली जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर, एंड क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है सर्च बार में youtube.com, एंड youtube.com सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। फिर आपको इसे थोड़ा सा जूम आउट करना है, जूम आउट करने के बाद इसे डेस्कटॉप साइट पर खोल लेना है। और यदि पहले से खुला हुआ है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो ये योर चैनल का ऑप्शन है, तो आपको इस योर चैनल पर जाना है। योर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियोज। ओके, तो दोस्तों आप कस्टमाइज चैनल पर ओके कर देना है। एंड कस्टमाइज चैनल पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको वीडियोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वीडियोज़ में जाने के बाद दोस्तों, जितने भी वीडियोज़ हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, सब के सब यहां पर ओपन हो जाते हैं। ओके, एंड दोस्तों अभी आप यहां पर देखेंगे कि किसी भी चैनल जो वीडियोज़ हैं, तो कोई भी वीडियोज़ में अभी एड रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये डॉलर का आइकन है, तो इस डॉलर के आइकन अभी कटे हुए हैं। ओके, तो दोस्तों इन कटे हुए डॉलर के आइकन को हमें फ्री करना है, मतलब कि इस पर अभी एड रन कराना है, तब आप इनसे पैसे कमा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको एड कैसे रन कराना है, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखते रहिए वीडियो को। तो जो ये वीडियो में जो फिल के लिए बॉक्स है, तो इन सभी बॉक्स को फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ से जो है फिल करता हूँ इन बॉक्स को। यहाँ पर देखिए, एंड यहाँ सभी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेटिंग है, तो अब यहाँ एडिट का ऑप्शन है, तो आपको एडिट के ऑप्शन पर ओके करना है। ओके, एंड फिर आपको दोस्तों जाना है मोनेटाइजेशन पर। तो मोनेटाइजेशन पर जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपडेट करना है वीडियो इसको। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किनारे पर, यहाँ किनारे ये, तो अपडेट वीडियोज़ पर ओके करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर सभी वीडियोस को अपने अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये बॉक्स फिल करने के बाद यहाँ पर अपडेट वीडियोस पर ओके कर देना है। ओके, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रोसेस अपडेट होने की वो चालू है, यानी कि सभी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं। अब दोस्तों ये डॉलर का आइकन जो है ये फ्री हो जाएगा, जो कटे हुए हैं ये सब
फ्री हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपडेट होने के बाद। ओके, तो अपडेट अभी प्रोसेस में है और यहाँ पर अपडेट हो जाओ अपडेट। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि लगभग 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कितना समय लेता है अपडेट होने में। और ये अपडेट बस होने ही वाला फ्रेंड्स। तो आपको मैं दिखा दूंगा कि फिर आपको क्या करना है। और दोस्तों हाँ, अपडेट होने के बाद कुछ येलो डॉलर का आइकन आएगा कुछ वीडियोज में, एंड कुछ वीडियो में ग्रीन डॉलर का आइकन आएगा। ओके, तो दोस्तों जो हमें इनकम होती है, जो हमें प्रॉफिट होता है, वो ग्रीन डॉलर आइकन से होता है। ओके, अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने सभी वीडियोज़ को अपडेट कर लिया है, तो यहाँ पर जो है ग्रीन डॉलर आइकन आ चुका है सभी वीडियोज में। ओके, तो देखिए, और कुछ वीडियो में दोस्तों येलो डॉलर आइकन है, तो येलो डॉलर आइकन में दोस्तों सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको आता है। ओके, अब दोस्तों यदि आपको पता नहीं कि सब्सक्रिप्शन कैसे आता है, तो मैं आपको बता दूंगा। अब वीडियोज़ अपडेट हो चुके हैं। ओके, एंड वीडियो एक बार अपडेट होने के बाद आपकी वीडियोज़ में ऐड आना शुरू हो जाता है। ओके, अब दोस्तों तुरंत ही ऐड आना शुरू हो जाता है। अब आप किसी के दूसरे के फ़ोन से, जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने फ़ोन से नहीं, किसी दूसरे के फ़ोन से आपको अपने वीडियोज़ देखना है, एंड वहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपके एकाध वीडियोज़ में एड्स नहीं आएगा, लेकिन नए नए में शुरुआत में, लेकिन आपको सभी वीडियोज़ देखना है, आपका आधे वीडियोज़ में ऐड आना शुरू हो जाएगा। ओके,